अस्थि चरम मम देह में तामे ऐसी प्रीत जो होस्ती प्रभु राम से हो जाते भवती तुलसी तुलसी सबे कहे तुलसी बन की घास कर भक्ति भगवान की वो बन गए तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर भई संतों की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तो तिलक करे रघुवीर बताया जाता है कि तुलसीदास जी का उनकी धर्मपत्नी रत्ना से बहुत ज्यादा लगाव था और एक दिन उसी रत्ना के ताने सुनकर के तुलसीदास तुलसी से तुलसीदास बन गए। बड़ा प्यारा भजन है लेकिन समझ में आ जाएगा। तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन इतना कहकर चली गई कि मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊंगी, आप चिंता मत करियो, मैं मेरी मां से मिलने जा रही हूं। लेकिन इतना समय कहां था, कौन इंतजार करता। पीर में जाने के बाद अक्सर औरतें ससुराल की बातों को भूल जाया करती, ये आदत कि पीछे भी कोई वादा करके आए हैं इस बात को भूल जाते हैं, अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं। रत्ना भी ऐसा ही करती, वो भूल गई कि मुझे कल सुबह वापस जाना था। इधर तुलसीदास जी बेहाल, आधी रात में बरसात हो रही हो, रवाना हो जाते हैं। किस प्रकार, ले गमछा गले में डाल, ले गमछा गले में डाल, तुलसी जी चले ससुराल, ले गमछा गले में डाल, तुलसी जी चले ससुराल। ओ चली जात भादु की रात, चली जात भादु की रात, छाई अंधियारी है, प्राण से प्यारी नारी है, ले गमछा गले में डाल, तुलसी जी चले ससुराल, ले गमछा गले में डाल, तुलसी जी चले ससुराल। भादु की रात, भादवे की रात थी, चली जात भादु की रात, छाई अंधियारी है, प्यारे लगे ना प्राण, प्राणों से प्यारी वो नारी। उसके लिए आधी रात में बरसती बरसात में रवाना हो गए। चलते गए तो आगे एक नदी आ गई, नदी भी पानी से पूरी बहाव पूरे उफान के साथ बह रही थी। तुलसीदास जी ने विचार किया, ये नदी भी बेरण हो गई, बैठ गए वहीं पर और गुनगुनाने लगे, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल आदमी को कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो सिर्फ एक ही रास्ता होता है, या तो वो अपनी मां को याद करता है या फिर पूरे देवी देवताओं को याद करता है।
उसने सोचा कोई तो आ गया हो, पूरे देवी देवताओं को भरी कर दिया, पूरे देवताओं को सिमर रहा। लगन ऐसी लगी थी, लागी लगन हो गए मगन, कोई न कोई रास्ता पर भगवान जरूर निकालो। तुलसीदास जी के लिए देखिए क्या भगवान रास्ता निकालते, एक मुर्दा बहता हुआ, मुर्दा बहता हुआ आगे उसकी अर्थी के साथ में। तुलसीदास जी ने सोचा नाव आ गई, फटाफट बैठो, बैठ गए सब, कान पकड़ लिए, रवाना हो गए। नाव उस तीर पे चली गई। वहां जाने के बाद में उन्होंने विचार किया वापस भी तो आना है, ऐसा करते हैं इसको पेड़ से टांग चलो, क्योंकि वापस आते समय कौन सी नाव आएगी, कोई नहीं आएगी। पेड़ के लटका के रवाना हो। अब वहां गए तो आधी रात का समय, तब कौन किवाड़ खोले, खूब बाहर से आवाज लगाई, बाहर जाकर हंकारे वहां कौन सुने, वहां कौन सुने। बंद हो रहे सब दरवाजे वहां कौन सुने, वहां कौन सुने। ओ समझ रास लियो पकड़ सांप, समझ रास लियो पकड़ी सांप, चढ़ गए अटारी है, प्यारी लगी ना प्राण, प्राण से प्यारी नारी है। मुंचा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल, ले गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल। गले में डाल तुलसी जी चले से। अब ससुराल पहुंच गए, बाहर जाकर हंकारे वहां कौन सुने। अब रात में ज्यादा तेज बोले, पड़ोसी आ गए तो बोले बैठेंगे। तुलसीदास जी महाराज ऐसे विचार करते 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 महल के पीछे की साइड में जाकर बैठ गए, कोई बात नहीं दिन होने दो फिर देखते। ऐसे तारों को गिन रहे, आदमी जब कोई पार नहीं पड़ती तो तारे गिनता, ऐसे तारों को गिन रहे थे। नजर पड़ी कुछ दीवार पर एक काला सर्प लटक रहा। वो इसलिए आया करता था कि रत्ना हमेशा ईश्वर के भजन करके फिर सोया करती थी, और वो हमेशा वो काला नाग जंगल में आकर के रत्ना के भजन सुन के जाया करता। परसों तक रत्ना वापस नहीं आई, आज पहली बार वापस आई तो वो फिर से भजन सुनने के लिए आ गया, लेकिन वो लटक गया नीचे, ऊपर नहीं चढ़ पाया। तुलसीदास जी ने विचार किया, ओहो पतिव्रता, ये पतिव्रता है, रस्सी लटका रखी है पीछे की साइड में, फिर कहती है मैं आ जाऊंगी, पतिव्रता हूं मैं, आज इसकी सारी चोरी पकड़ में आ गई। समझ रास लियो पकड़ सांप, चढ़ गए अटारी है। उस सर्प को रस्सी समझ करके उसको पकड़ लिया। सर्प ने सोचा मेरा भी बाप आ गया, ये नहीं छोड़ेगा दादा भाई, करेगा क्या। सर्प भी ऊपर फण को जमा करके पकड़ के बैठ गया। इधर नीचे तुलसीदास जी पकड़ के चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे, कोई पता भी नहीं चल रहा।
और विचार करते जा रहे हैं बेटी बहुत होशियार है, रस्सी भी रेशम की लगाइए ताकि आने वाले को दिक्कत नहीं हो। आज इसकी सारी चोरी पकड़ में आ गई, ऊपर चले गए, वहां जाकर के एक बिजली चमकी और बिजली चमकती, उस चमक में तुलसीदास जी को वो काला नाग नजर आया। ओहो गजब, वाह मेरे नाग देवता प्रणाम आपको, वैसे भी आप लोगों को ऊपर ही पहुंचाते हो और मुझे यहां तक पहुंचा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप। चले गए अंदर, अंदर गए तो ढूंढते फिर रहे, ढूंढते ढूंढते बिजली के उजाले में उनको अपनी पत्नी की ओढ़नी नजर आ गई। ओढ़नी से उन्होंने समझ लिया कि रत्ना यही है। चारपाई के नीचे घुस के डायरेक्ट हाथ पकड़ ले तो कैसा हो, एकदम चीख पड़े घरवाले आ जाए तो वैसे ही बराबर हो जाए मामला। नीचे बैठे हैं, नीचे बैठे बैठे क्योंकि ऊपर चढ़ के आए थे तो सांस तो फूल रही थी ना, ऐसे कर रहे थे। वो रत्ना की आंख जगी, पता नीचे क्या है। नीचे घुसकर देखा तो महाराज तुलसी जी नीचे पड़े। तुलसी जी ने कहा डोंट, क्या कहते हैं उसको, क्राई, चिल्लाना नहीं है, चिल्लाना नहीं है बहन जी, मैं हूं मैडम, मैं हूं आपका पति परमेश्वर। रत्ना बोली वाह पति देव कैसे आया, तो वो कहने लगी तुम कैसे आए स्वामी, तुम कैसे आए स्वामी, तुम इतने क्यों बन गए चाम के कामी, तुम इतने क्यों बन गए चाम के कामी। करो प्रभु से प्रीति ही सच्चा मीत, करो प्रभु से प्रीत वो ही सच्चा मीत, पर अचरज भारी है प्यारी लगे ना प्राण, प्राण से प्यारी नारी है। गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल, गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल। कैसे आए स्वामी, यहां तक पहुंचे कैसे आप। बोला ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं सब तेरी औकात, तूने मां रस्सी लटका रखी है और मुझे कहती है कि कैसे आए। बोले रस्सी कौन सी आ गई कि चल के देख, वहां देखा वो नाग लटक रहा था। वाह पति देव गजब हो गया, करो प्रभु से प्रीत वही सच्चा मीत, ये रिश्ते नाते ये शरीर का आकर्षण बहुत झूठा है पति देव। जितना प्रेम और जितना दुख मेरे लिए आपने पाया, इसका अगर आधा अंश भी आप प्रभु के लिए पा लेते, इसकी आधी प्रीत भी प्रभु से कर लेते, तो शायद आज वो प्रभु आपके वश में होता, क्योंकि भक्त के वश में है भगवान। आप यहां तक पहुंचे कैसे, एक ताना मार दिया, जाओ मैं तुम्हें नहीं मानती, तुमने इस शरीर से प्रेम किया, इस चमड़ी से प्रेम किया, अरे अच्छा होता कभी प्रभु से प्रेम कर लेते। तुलसी के नैनों में आंसू आ गए, कहने लगे अपनी पत्नी से, हे पत्नी सोते को मुझे जगाया, सोते को मुझे जगाया, तू गुरु मेरी तूने ही ज्ञान सिखाया। गुरु मेरी तूने ही ज्ञान सिखाया। तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, अब तू महतारी है। तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया, अब तू महतारी है, आज से तू ही मेरी माँ है, आज से तू मेरी पत्नी नहीं, आज से मेरी तू मेरी गुरु है, गुरु मां। तो तुलसीदास जी के दो गुरु हुए, पहला गुरु उनकी धर्म पत्नी हुई। देखिए आप भी अपने पति के गुरु बन सकते हैं, ये मौका है। जब अगर पति कुछ ज्यादा ही ऐसा करने लगे तो आप उनको ज्ञान दे सकते हैं कि तुलसीदास बनो, इन बातों में कुछ नहीं धरा है।
पहले गुरु बनी उनकी धर्म पत्नी रत्ना और दूसरे गुरु बने पुष्कर के पास टेला गांव है और वहां पर हुए संत शिरोमणि नर हरिदास जी, वो तुलसीदास जी महाराज के आध्यात्मिक गुरु बने। एक बार दोनों के लिए ताले बजा दो आप। ओ तूने ज्ञान दिया मैंने मान लिया अब तू मेहतारी है, प्यारी लगी ना प्राण प्राणों से प्यारी नारी है, ले गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल, ले गमछा गले में डाल तुलसी जी चले ससुराल। भाई संतन की भी तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुली सियावर रामचंद्र जी की जय, बोलो रे वीरा रामचंद्र जी की जय, सियापति रामचंद्र जी की जय, रामचंद्र जी की जय। बोली तुलसीदास जी महाराज की, बोली सच्ची दरबार की।